म्युनिसिपल कमेटी तरेंडा सवाए के वाहिद खेलने का मैदान सिक्योरिटी के नाम पर बंद हो गया। रोजाना खेल कूद करने वाले बच्चे घरों में मुकीम हो गए। मेंबर कौमी असेंबली मियां इम्तियाज अहमद ने जाती काविशों, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के ताबुन से ग्राउंड को बच्चों के खेलने के लिए दोबारा खुलवा दिया। जैसे पूरे मुल्क में एक दहशत गर्दी की लहर आई हुई थी और उसकी वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थे, तो उसकी वजह से ये ग्राउंड बंद कर दिया गया था। पूरे तरेंडा सवाए खान में इसके अलावा कोई और ग्राउंड नहीं था। हमारे नौजवान खिलाड़ी, हमारे बच्चे खेलने से महरूम थे और इनका भरपूर मुतालबा था कि ये ग्राउंड जो है इसको खोला जाए। चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी फैसल खान अब्बासी ने मेंबर कौमी असेंबली का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तरेंडा के बच्चे खेल से महरूम होने की बिना पर बुरी सोबत का शिकार होने लग पड़े थे। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कोई तफरी का और जरिया नहीं था। आज इलाके का एक दरीना मुतालबा पूरा हुआ। मैं उसमें अपने MNA मियां इम्तियाज साहब का इंतहाई दिल से मशकूर हूँ कि इन्होंने इस ग्राउंड को खुलवाने में हमारा भरपूर साथ दिया। जहाँ मैदान आबाद हो वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। मुआशरा सेहतमंद हो तो वहाँ तरक्की की राहें खुली रहती हैं। जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा के लिए सेहतमंद सरगर्मियाँ जरूरी हैं। अब तरेंडा सवाए खान के बच्चे और खिलाड़ी भी खेल में भरपूर हिस्सा लेंगे। कैमरामैन वलीद बलोच के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान।